हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में NSUI के छात्रों के निष्कासन को लेकर कांग्रेस द्वारा गठित 3 सदस्य कमेटी ने बुधवार को विश्वविद्यालय के उप कुलपति से मुलाकात की और छात्र नेताओं के निष्कासन को रद्द करने का आग्रह किया। कमेटी में कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुशांत कपरेट, शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छाजटा शामिल थे। करीब आधे घंटे तक VC से कांग्रेस नेताओं की वार्ता हुई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने जल्द से जल्द इन तीनों छात्र नेताओं का निष्कासन रद्द करने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश सचिव सुशांत कपरेट ने कहा कि विश्वविद्यालय में हॉस्टल और लाइब्रेरी खुला रखने की मांग को लेकर NSUI के छात्र नेता VC से मिलने गए और उन्हें निष्कासित किया गया। इस विवाद को सुलझाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की ओर से 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था और आज विश्वविद्यालय के VC सिकंदर कुमार के साथ वार्ता की गई है और उन्होंने निष्कासन रद्द करने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस सचिव सुशांत कपरेट ने कहा कि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी खोलने और हॉस्टलों में जनजातीय क्षेत्रों की छात्रों को रहने का विश्वविद्यालय के VC से आग्रह किया गया, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद छात्र घरों को नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें हॉस्टल में रहने की सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों को अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने का पूर्ण अधिकार है। प्रदेश के काफी बड़े नेता छात्र राजनीति से निकल गए हैं, ऐसे में छात्रों की मांग को भी विश्वविद्यालय प्रशासन को सहानुभूति पूर्व देखना चाहिए और छात्रों के भविष्य को देखते हुए जिस तरह से विश्वविद्यालय द्वारा 3 छात्रों को निष्कासित किया गया है, उसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के VC के साथ सार्थक चर्चा हुई है और जल्दी मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया गया है। देखिए, पिछले दिनों जिस प्रकार से NSUI के 3 छात्रों का विश्वविद्यालय से निष्कासन हुआ है, तो उस कंटेक्स्ट में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें यशवंत सिंह छाजटा जी, जो हमारे शिमला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष है, श्री जितेंद्र चौधरी जी, जो शहरी के अध्यक्ष है, और साथ में मुझे सचिव के नाते, क्योंकि मैं NSUI का प्रभार भी देख रहा हूँ, तो हमारे को यहाँ पर डिप्यूट किया था कि किस प्रकार से ये जो डेडलॉक है, क्योंकि छात्रों के भविष्य की बात है, तो किस तरीके से इस डेडलॉक को ख़त्म किया जाए और छात्रों के निष्कासन जो है वो वापस किया जाए। साथ ही साथ कुछ एक और इश्यूज़ भी थे विश्वविद्यालय से संबंधित, तो वो जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर आज हम कुलपति महोदय के पास आए थे, क्योंकि छात्रों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अधघर पर जा रहा है। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है कि भविष्य को देखते हुए और एक यूनिवर्सिटी की अगर हम पिछला इतिहास भी देखें, तो कहीं ना कहीं आवश्यक है कि छात्रों का जो निष्कासन है वो वापस किया जाए। तो इसी कंटेक्स्ट में आज हमने कुलपति महोदय से मिले हैं। साथ में लाइब्रेरी की जहां तक खोलने की बात है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो चुकी है, जहां पर 50% ऑफ द कैपेसिटी के साथ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो है वो खोली गई है। तो हमने डिमांड की है कि यूनिवर्सिटी HP यूनिवर्सिटी में भी यहां पर ये देखा जाए कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ चलाई जा सके, और साथ ही साथ जो हमारे स्नो बाउंड एरियाज और ट्राइबल एरिया के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइब्रेरी जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, उनको किस प्रकार की समस्या आ रही है, वो भी हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर VC महोदय के सम्मुख रखी है। और हम आश्वस्त है कि जो ये डेडलॉक बना है ये जल्दी से जल्दी टूटेगा। और किस तरह का कुलपति महोदय पॉजिटिव थे, साथ में हमने नॉन टीचिंग की भी कुछ एक डिमांड्स थी वो भी हमने रखी है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें सब लोगों का योगदान रहा है। इस विश्वविद्यालय को बनाने में, इसको आगे बढ़ाने में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, डॉक्टर परमार का रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं सब लोगों को इकट्ठा होकर इस विश्वविद्यालय को किस प्रकार से एक प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना है। और कांग्रेस पार्टी सदैव इस चीज़ की धारक रही है, हमारा सदैव ये विचार रहा है कि स्टूडेंट शक्ति जो है वो राष्ट्र निर्माण में है, और कहीं ना कहीं अगर आप इस विश्वविद्यालय का इतिहास देखें, छात्र राजनीति से ही बाहर निकल के लोग, आज अगर हम मुख्यमंत्री महोदय की बात करते हैं वो छात्र राजनीति का प्रोडक्ट है, अगर हम अपनी कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं कुलदीप सिंह राठौर कांग्रेस पार्टी का प्रोडक्ट है, सेम राकेश सिंघा जी CPM में जो है वो SFI का प्रोडक्ट है। तो इस यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में और फ्यूचर पॉलिटिक्स को शेपअप करने में। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।